तो अभी तक मैंने जितनी भी सिनेमैटिक वीडियोस अपलोड करी है तो उनमें आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने मास्किंग का बहुत ही ज्यादा यूज करा हुआ है। तो अब बेसिक ट्यूटोरियल प्रीमियर प्रो का तो मैंने अपलोड कर ही दिया था, तो मैंने सोचा कि यार जितनी मुझे एडिटिंग आती है तो मैं वो भी आप सबको धीरे धीरे करके सिखा देता हूं। और अगर आप सबको कुछ और भी सीखना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो अगली वीडियो फिर उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई अब वो आ गए अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ। एक देखो ये वाली मेरी क्लिप है, ये एनजी फेस्ट वाली, इसमें ऐसे था ठीक है, ये दो बंदे आ गए थे साइड में से। अब इसमें से मैं मास्किंग करके दिखाता हूँ और एक पीछे एक बैक साइड पे एक दूसरी फुटेज डाल के, ठीक है। ये वाली क्लिप इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि और सारी क्लिप्स की जरूरत नहीं है अभी ज्यादा। इसकी पहले ऑडियो में हटा देता हूँ, लिंक करा इट करे डिलीट, पहले अनवांटेड जो भी पार्ट है ना जो इस क्लिप का वो मैं हटा देता हूँ, इतना पार्ट रखता हूँ यहाँ से। अब इसको कट कर देता हूँ मैं, तो ये मैंने कट करा डिलीट, अब रिपल डिलीट, ठीक है। तो अपनी वाली क्लिप देखो भाई कुछ ऐसी है ये, बस। अब एक दूसरी क्लिप भी ले आता है जो इसके बैक साइड पे जो होगी, ये वाली ले लेते हैं। अब देखो इस वाली पे मेरे को मास्किंग करनी है ना, जैसे ये है ना यहाँ पे इसके बैक साइड पे आएगी ना दूसरी क्लिप, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम दूसरी लेयर पे ले आएंगे। अब इसमें हम नीचे वाली लेयर पे हम लोग कौन सी जो हमारी जो बैक साइड वाली जो क्लिप आएगी ना ये वाली, तो ये वाली रहेगी ठीक है। मास्किंग यहाँ से शुरू करनी है, तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आए, अब मेरे को यहाँ पे पूरा क्लियरली दिख रहा है ये, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मास्किंग करता हूँ ठीक है। ये आपका इफेक्ट कंट्रोल्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपेसिटी, ओपेसिटी के नीचे री ड्रॉ बेजियर टूल होता है, तो ये दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक करना। तो जैसे मैंने जूम करा और ये मैंने यहाँ से फिर ड्रॉ करना शुरू कर दिया ठीक है। अगर मैं नॉर्मल क्लिक करूँ ना तो एकदम सिंपल की फ्रेम आएगा, देखो जैसे आपने क्लिक करा और फिर इसको छोड़ना मत माउस को ठीक है, फिर उसके ऐसे करा तो ये आ जाता है आपका, और नॉर्मल क्लिक करोगे तो एक सिंपल एक आपका की फ्रेम आ जाएगा। अब यहाँ से आप सबको क्या करना है कि अब आपको पूरे पे ना यहाँ पे जितना भी ये पार्ट है इस पूरे को पहले मास्क कर लेना ठीक है। रुको मैं करके दिखाता हूँ जल्दी से, ये देखो ये ऊपर से नीचे तक कर लिया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब पहले सबसे तो इसको छोटा कर लेना, अब 10% पे कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा दूर जाके और ऐसे क्लिक करना, और ये मैं किस लिए कर रहा हूँ ये बताता हूँ, ये बाहर जाके आप इस पे सिलेक्ट कर लेना। अब देखो क्या हुआ, वो बंदा तो हट गया लेकिन इधर इधर की वह सिलेक्ट हो गई क्लिप, तो इसको नहीं करना ना हमें, तो इसलिए यहाँ पे आप आना, ये इन्वर्टेड आपको दिख रहा है इस पे कर देना, तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। ये देखो अब आपका क्या हो गया, बैक साइड वाली जो क्लिप है वो दिखने लग गई, लेकिन अभी इधर देखो काम पूरा नहीं हुआ है, जैसे ये मास्क यहीं पे स्टिल रह जा रहा है ना, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे भाई अपने मास्क में, और जब आपको यहाँ पे ना दिखे वो चीज अभी जो आपने ड्रॉ करी थी, तो यहाँ पे आप मास्क पे फिर से क्लिक करना, तो आपकी यहाँ पे वो आ जाएगी जो अभी आपने ड्रॉ करा था ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करना, ये देखो ये मास्क पाथ दिख रहा है आपको, तो इस पे क्लिक कर देना, तो ये देखो आपका एक की फ्रेम ऐड हो गया ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, जैसे ही देखो नेक्स्ट फ्रेम पे गया तो ये हमारा मास्क यहीं पे रह गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा फिर से मास्क पे क्लिक करूंगा। रुको इसको थोड़ा ना नीचे कर लेता हूं मैं। अब देखो हमारा ये फिर से मास्क है, तो अब हमें ना इधर एक एक सेट करना पड़ेगा, ऐसे लेकर आना पड़ेगा हमें, और फिर ये फिर से ऐसे ही हमें सेट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले करा था। ये देखो ये आपके दो की फ्रेम आ गए, फर्स्ट ईयर रहा सेकंड ईयर रहा ठीक है। तो आपके दोनों की फ्रेम पे मास्क आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब क्या करना आप सब ना ऐसे ही सारे के सारे जितने भी की फ्रेम है ना, जब तक ये बंदा यहाँ से साइड पूरे फ्रेम से हट नहीं जाता, तो तब तक आपको पूरे ये ऐसे की फ्रेम्स को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ऐसे यही वाला जो प्रोसेस था, तो आपको ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ जल्दी जल्दी से एक बार। तो भाई अभी देखो ये आपका ना पूरा हो गया ठीक है। अब इससे पिछले की फ्रेम में जा रहे तो ये मैच नहीं हो रहा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से ना पिछले फ्रेम में जाना, ये मतलब कि आपने मास्क तो ड्रॉ कर ही रखा था, तो इसके लिए आप इसको पहले थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा खींच के और इसको इस तरफ ले आना ठीक है, और फिर यहाँ से फिर मैच करना ठीक है। एक और पीछे गया, ये खत्म। अब इस मास्क को पूरा इधर कर दो आप, तभी आपका मास्क पूरा इसके साथ आ जाता है। तो इनमें देखो ये जो दूसरा ऑप्शन हमारा ये है मास फैदर, तो इससे क्या होगा देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा मैं। तो अगर मैं इसका फैदर बढ़ाता हूँ तो ये क्या कर रहा है, बैक साइड वाली चीजें इसमें ना डिजोल्व हो जाती है, तो वो चीज होती है आपकी इससे ठीक है, मास फैदर से ये चीज होती है। तो इसको यार इतना बढ़ाना मत, वैसे ये तब यूज करते हैं जब आपका मास्क थोड़ा ढंग से ना बनाओ। और ये मास्क ओपेसिटी है, वही अपनी मास्क ओपेसिटी कितनी रखनी है, जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है तो वो कितनी रखनी है। और एक ये होता है आपका मास्क एक्सपेंशन जो होता है, अगर जैसे आपका मास्क ना थोड़ा इस साइड बन गया तो इससे क्या कर सकते हो, आपका मास्क ना थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा ठीक है, तो आपका इस साइड हो जाएगा। और ये देखो आपकी ना एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हो गई। तो यार बस यही थी अपनी आज की वीडियो, और अगर आप सबको इस वाले ट्यूटोरियल में भी कोई दिक्कत आई हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे वही डीएम कर देना मुझे, तो मैं आंसर दे दूंगा सबके। तो बस यही थी अपनी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।